नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं प्रिया वर्मा। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काठमांडू से आ रहा 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य जारी है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हादसे की वजह अब तक पता नहीं चल सका। विमान में कुल 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिनमें 5 भारत के थे। इनमें से किसी के भी बचने की खबर नहीं है। बता दें कि इस विमान में 68 यात्रियों समेत कुल 72 लोग सवार थे। यदि एयरलाइंस की ATR-72 फ्लाइट पोखरा एयरपोर्ट पहुंचने से 10 सेकंड पहले ही ये हादसा हुआ। खास बात यह है कि नेपाल के इस पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन 14 दिन पहले ही हुआ था। ये हादसे दिन में 11:10 पर हुआ। ये विमान पोखरा घाटी में सेती नदी की खाई में गिर गया। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें नेशन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।